आज बात करते हैं पॉइंटर्स की। सी में पॉइंटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका कारण यह है कि थोड़ा सा अगर इसके पहले का बैकग्राउंड तैयार है, अगर हम इसे समझें क्या चीज है, तो पॉइंटर से हर चीज को हम डील कर सकते हैं। पॉइंटर से हम स्ट्रक्चर्स, पॉइंटर से हम एरेज, पॉइंटर से फंक्शंस, ये बहुत सारी चीजें जो है बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन पॉइंटर समझ में आना चाहिए। तो पॉइंटर है क्या? पॉइंटर पॉइंट करते हैं, यानी कि आपका अगर घर है उसमें आप रहते हैं, तो अगर आपको वेरिएबल मान लिया जाए तो आप जिस घर में रहते हैं, जो घर है वो मेमोरी है, आप वेरिएबल हैं, आपका घर एक मेमोरी है, और आपका जो एड्रेस है, मान लीजिए आपका एड्रेस है 5 विकास लोक, तो जो 5 विकास लोक है वो आपका एड्रेस है। तो जो पॉइंटर है वो एड्रेस को बताता है, यानी कि अगर मुझे आप तक पहुंचना है और मुझे आपका एड्रेस पता है, तो यही काम पॉइंटर करता है। वेरिएबल और वेरिएबल का एड्रेस, वेरिएबल का एड्रेस आता है पॉइंटर पे। देखिए, अगर मैं कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, तो ये क्या होगा कि मेमोरी में जाके एक बॉक्स, आप मान लीजिए एक बॉक्स बना, और वहां पर जो भी इंटीजर साइज लेता है 2 बाइट 4 बाइट, तो उतने साइज में उतनी साइज की जगह एक्स को असाइन हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर बॉक्स का नाम होगा एक्स, नाम देखिए उसका एक्स होगा, लेकिन ये जो बॉक्स, इतनी बड़ी मेमोरी, आजकल तो मेमोरी बहुत वास्ट हो गई है, तो उस मेमोरी में जिस जगह पे, जिस एड्रेस पे ये एक्स रख दिया गया है हमारे प्रोग्राम द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, सिस्टम द्वारा, उस एड्रेस को ये पॉइंटर रखता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है ये बेसिकली एड्रेस होता है, ये हेक्साडेसिमल में होता है, और इससे हम बहुत सारी चीजें डील कर सकते हैं आगे। तो अब मैंने अगर पॉइंटर डिफाइन किया कोई int*PTR, तो ये जो PTR है पॉइंटर, स्टार से पता चल रहा है कि ये पॉइंटर है, और ये पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा, यानी कि ये वो एड्रेस रखेगा जो इंटीजर हो। आप समझे इसको, यानी कि मेरे पास PTR है और मैं किसका एड्रेस रख सकता हूं इसमें, एम्परसेंड से एड्रेस आता है, पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल होगा उसके अगर एम्परसेंड लगाएंगे तो वो एड्रेस वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको एक्स लिखता हूं तो बिल्कुल ये वाजिब है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर वाई कर देता हूं, एक और वेरिएबल आपका डिक्लेयर कर देता हूं, तो PTR इज केपेबल, ये PTR एम्परसेंड एक्स को भी, यानी कि सॉरी वाई को भी, वाई का एड्रेस रखने में भी सक्षम है ये PTR, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पॉइंटर है, देखिए ये वेरिएबल नहीं है, ये कोई ऐसा स्टार PTR कोई वेरिएबल नहीं है, ये केवल ये बता रहा है कि मैं PTR हूं और मैं किसी इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस रख सकता हूं। तो हम देखें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। तो अगर मैं एक एक करके आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, सबसे पहले हम x को प्रिंट करते हैं, तो x की जगह हम ऐसे करते हैं 10 रखते हैं। तो सबसे पहले हम x से शुरुआत करते हैं। x क्या है? x एक वेरिएबल है, और क्योंकि इंटीजर है तो हम इसको % d कर देते हैं, और यहां पर हम सीधा x को प्रिंट कराते हैं। तो ये इसको चलाया जाए तो 10 आ गया, ये हम अभी तक डील करते आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर M% लगा देते हैं। अब हम एड्रेस प्रिंट करेंगे, F11 फिर से चलाइए, इस नंबर को याद रखिएगा 2358868, ये एड्रेस नंबर है, लेकिन चूंकि एड्रेसिंग जो होती है वो हेक्साडेसिमल में आपके जो बाइनरी वैल्यूज में होती है, तो इसके लिए हम % x से भी प्रिंट करा सकते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए 23FE54 हेक्साडेसिमल में है, तो x की बात हो गई,
अब आते हैं हम पीटीआर पे, इसको भी इसी तरीके से हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ, और यहां पर हम परसेंट डी, और यह हम करते हैं पीटीआर। ये आपका एक्स के लिए फॉर एक्स, और ये फॉर पीटीआर, ये पीटीआर की वैल्यूज हम प्रिंट करने के लिए। स्लैश एन दे दें एक, सेमीकॉलन लगाना कभी ना भूलें। आप देखिए ये एक्स जो है ये 23 एफ 54 आ गया, और पीटीआर ये नंबर, वही नंबर जो हमारा यहां आया था। अब यहां पर परसेंट डी अगर मैं कर दूं तो आप देखेंगे कि हमारा दोनों वैल्यू सेम है, यानी कि एक्स का एड्रेस और पीटीआर जो एड्रेस होल्ड कर रहा वो भी सेम है। अब अगर मैं इसको परसेंट एक्स कर दूं और इसको भी परसेंट एक्स कर दूं तो आप देखेंगे कि मेरी दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सिमिलर आ गई। तो यही है आपका पॉइंटर। और यदि आप ये देखना चाहते हैं कि पॉइंटर पे पॉइंटर किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने एक्स और वाई दोनों दिखाया था आपको, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, तो आप यहां पर स्टार कर दीजिए और यहां पर परसेंट डी कर दीजिए, और यहां पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए कि वैल्यू होल्ड जो पॉइंटर करता है, वैल्यू एट पीटीआर, यहां पर हम परसेंट डी कर देंगे और इसको एक्स कर देंगे, ये दोनों सिमिलर आनी चाहिए आपकी। यहां पर स्टार देखिए, अगर ये स्टार, इसको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं हम इसे, तो देखिए एक्स 10 और जो पॉइंटर जिसको पॉइंट करना वो भी 10, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको कि पॉइंटर होता क्या है, पॉइंटर एक्चुअली एड्रेस रखता है, तो 10 का एड्रेस इसने रखा हुआ है, तो 10 की वैल्यू भी प्रिंट करानी है तो स्टार पीटीआर से कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।